हमारे मीडिया में कभी कभी गोसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है, उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहाँ भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे मीडिया में कभी कभी गोसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहाँ भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए मेरा मंत्री भी कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार, इस धरती में मैं पैदा हुआ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मेरा भी मन करता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं भी आप सबके स्वागत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी राज्यों की भागीदारी के लिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये हमारी समिट, इस समिट में होने वाला संवाद, ये हम सबको जोड़ेगा भी और हमें अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ेगा।